गैस अथॉरिटी इंडिया का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन थ्रू गेट 2021 तो अनाउंस हो चुका था, बट अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। बट क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या होगी इसकी एज लिमिट, क्या होगा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूँगा। अगर आप गेट 2022 या फिर गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ESE और गेट के जो लेजेंड्स हैं उन्होंने अभी अन अकेडमी ज्वाइन कर ली है। अगर आप इनसे कोचिंग लेना चाहते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से एनरोलमेंट कर सकते हो और अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिए जो कि है नोक्यूलेटर, KNOWCULATOR, जो अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अन अकेडमी लेके आया है अन अकेडमी कॉम्बैक, जो होने वाला है 21 फरवरी को सुबह 11 बजे। यहाँ पे 60 मिनट्स का गेट के बेस पे अन अकेडमी का कॉम्बैक होने वाला है, जो कंप्यूटर, IT, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए होने वाला है। ये कॉम्बैक देके आप प्राइज भी विन कर सकते हो और 100% स्कॉलरशिप ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन पा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको प्राइजेस मिलने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, प्लस यहाँ पे बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशन भी आप पढ़ लीजिए। तो इसमें एनरोलमेंट करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट करते समय आप मेरा कोड जरूर यूज़ कीजिए जो कि है नोक्यूलेटर, KNOWCULATOR, जो अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि गैस अथॉरिटी इंडिया ने जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है उसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है, इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया भी हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो पहले विजिट करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट गैस अथॉरिटी इंडिया की। तो गैस अथॉरिटी इंडिया की आप अगर वेबसाइट देखोगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि करियर अपॉर्चुनिटी एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2021। तो ये जो है वो इस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कर रही है गैस अथॉरिटी थ्रू गेट 2021। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट डिटेल दिया है उन्होंने, जो मैंने बाजू के एक टैब में ओपन किया है, इसके बारे में सभी डिस्कस करते हैं पूरा। तो पहले बात करते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस के लिए वैकेंसी है, एक है केमिकल के लिए, एक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप वीडियो यहाँ पे छोड़ सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान में रखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत जन तक पहुँचना चाहिए जो एलिजिबल है। ऐसे ही PSC रिक्रूटमेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं PSC रिक्रूटमेंट डालूँ तो आपको जल्दी से नोटिफाई मिल जाए, अगर आप एलिजिबल हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की, जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, वहाँ पे 13 वैकेंसीज है। सेकंड है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, वहाँ पे 12 वैकेंसीज है, तो टोटल 25 वैकेंसीज के लिए है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे ट्रेनी के लिए केमिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में BE किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल वाले भी एलिजिबल है, केमिकल टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल है, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी भी एलिजिबल है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे 65% मार्क्स की क्राइटेरिया है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले तो यहाँ पे एलिजिबल है, अगर उन्होंने BE BTEC किया है इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन रिगार्डिंग ब्रांच है वो एलिजिबल है। यहाँ पे 65% मार्क्स का क्राइटेरिया है। यहाँ पे अगर आप SC ST हो तो आपके लिए 60% का क्राइटेरिया रहेगा, बाकी OBC और जनरल के लिए 65 का क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जो जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है 26 ईयर्स, अगर आपकी एज 26 ईयर्स से ज़्यादा है 16 मार्च 2020 तक, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उससे कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। OBC के लिए 29 ईयर्स रहेगी ये एज, और SC ST के लिए ये 31 ईयर्स रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए आप। और यहाँ पे सैलरी भी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगी 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में, बहुत अच्छी सैलरी है ये। वन ईयर ट्रेनिंग पीरियड में रहेगी, उसके बाद आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग E2 के लिए, और आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ की जाएगी, क्योंकि ये 60,000 है वो बेसिक है। यहाँ पे आपको अलग अलग पर्क्स भी मिल जाएंगे, जो कि पे और अलाउंसेस रहेंगे, आपके वेरिएबल पे भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे आपको गेट का स्कोर इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब गेट के स्कोर पे सभी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे गेट का स्कोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप गेट में अच्छा स्कोर करते हो तो आपका रिक्रूटमेंट का चांसेस बढ़ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि आप इसमें कब तक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो है 15 तारीख से ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है वो 16 मार्च 2021 है। तो यहाँ पे 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक 16 मार्च को आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब ये लास्ट डेट है, इस तक आप अप्लाई कर सकते हो।
तो मैं तो रिकमेंड करूंगा जल्दी से जाके अगर आप फ्री हो तो अप्लाई कर दीजिए। उसे कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आना है आपको सिंपल, यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा ये भी लिंक डाल दूँ यहाँ पे और ये भी लिंक डाल दूँ, तो आपको दोनों हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग वाले हो तो आप ये लिंक यूज़ कीजिए, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हो तो आप ये लिंक यूज़ कीजिए। दोनों भी लिंक से आप अप्लाई कर सकते हो, बट ब्रांच वाइज सिलेक्शन कर लेना। केमिकल के लिए मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, तो केमिकल का मैं अलग टैब में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन स्टेप में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, सिंपल स्टेप है। पोजीशन, कौन सी पोजीशन है वो आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, और ईमेल आईडी डालिए खुद का, बर्थ डेट डालिए, प्रॉपर बर्थ डेट डालिए, कुछ गलत मत डालिए। यहाँ पे सबमिट करके नेक्स्ट पर्सनल डिटेल और एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आप गैस अथॉरिटी इंडिया में अप्लाई कर सकते हो। अगर गैस अथॉरिटी इंडिया रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, मैं डेफिनेटली उस पर आंसर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।